क्वेश्चन नंबर 25, 4x plus 6y equal to 3xy, 8x plus 5y equal to 5xy. इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे xy दिया हुआ है, ठीक है, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 है और ये 9 है, दोनों को सेम बना लेते हैं. 6 और 9 का एलसीएम हो गया 18. तो इस इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से और इसको करते हैं 2 से. तो बन जाएगा 4 3 12x, 6 3 18y और 3 3 9xy, और ये 2 से हुआ तो 16x प्लस 18y और 5 2 10xy. इसको हम नेम दे देते हैं 3 और ये हो गया 4. ठीक, दोनों का यहाँ भी साइन सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि साइन चेंज हो जाए. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, 18y माइनस 18y, 12x माइनस 16x ये हो गया माइनस 4x, और 9xy माइनस 10xy ये हो जाएगा माइनस 1xy. ठीक, फिर माइनस साइन दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो 4x इक्वल टू xy, x दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो 4 इक्वल टू y, तो y का वैल्यू आ गया 4. y के वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इधर फर्स्ट इक्वेशन में, 4x plus 6y equal to 3xy दिया हुआ है, तो 4 y का वैल्यू है 4, तो 4x plus 6 into 4 y की जगह पे 4, 3x फिर यहाँ पे y की जगह पे 4, तो हो गया 4x plus 24 equal to 3 4 जा 12x, 4x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 24 equal to 8x हो गया, और x equal to 24 upon 8, तो x equal to 3. तो y का वैल्यू हो गया 4 और x का वैल्यू हो गया 3.